वेलकम बैक टू द शाम फेस कैनवस। तो हर बार की तरह मैं लेकर आ गई हूँ और एक SFX लुक आपके लिए। और आज हम लोग क्रिएट करने वाले हैं ये वाला बिग स्क्रैच बेयर अटैक वाला SFX लुक। बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप भी सीख सकते हो। तो फटाफट जाओ अपना प्रोडक्ट्स इकट्ठा कर लो और अभी हम लोग सीखने वाले हैं ये वाला SFX लुक। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना विद बेल बटन, ताकि आप मेरे फ्यूचर वीडियोस को मिस ना कर सको। और वीडियो एंड तक देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक करना एंड शेयर करना जरूर। तो फटाफट अपना प्रोडक्ट को इकट्ठा करिए एंड लेट्स गेट क्रिएट। तो सबसे पहले आप ले लीजिए कोई भी आई पेंसिल या लिप लाइनर ट्रेस करने के लिए। तो मैंने लिया है क्रीम कलर का आई पेंसिल, अगर आपके पास व्हाइट कलर का हो कोई भी लिप लाइनर हो तो चलेगा, आप ले सकते हो। तो मैं अपना जो आउटलाइन ट्रेस कर रही हूँ, जैसे भी आप अपना स्क्रैच क्रिएट कर सकते हो कोई रेफरेंस लेके, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट इन दैट। तो नेक्स्ट मैंने लिया है आई लैश ग्लू और जो भी मैंने ट्रेस किया था आउटलाइन उसके ऊपर ही मुझे ये लगाना है, ताकि हमारा जो वैक्स बाद में इसके ऊपर हम लगा सके। तो इसको हम थोड़ा सा सूखने देंगे, ज़्यादा नहीं, टैकी होने तक सूखने देंगे। तो नेक्स्ट आपको चाहिए स्क्वायर वैक्स और ये टूल, और स्क्वायर वैक्स को अच्छे से मैंने रोल्स करके ना इस तरीके से वॉर्म शेप में अब क्रिएट कर लिया है, ताकि हमारे जो आउटलाइन के ऊपर अच्छे से अप्लाई हो सके। तो लगाने के बाद कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। उसके बाद थोड़ा सा लेंगे वैसलिन और ये टूल, और इसके हेल्प से हम लोग एजेस को मर्ज करेंगे स्किन के साथ, हमारे रियल स्किन के साथ, ताकि हमारा अपना ही स्किन लगे। और आप चाहो तो अपना फिंगर्स भी यूज़ कर सकते हो सरफेस को और ज़्यादा स्मूथ करने के लिए। उसके बाद लेंगे हम लोग लिक्विड लेटेक्स, अगर आपके पास नहीं है तो आप फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हो। इसको मैं लूँगी एजेस को सील करने के लिए, ताकि हमारा स्कार वैक्स बाद में निकलने का कोई डर ना रहे। और कभी कभी स्कार वैक्स निकल जाता है अगर आप लिक्विड लेटेक्स लगाते हो ना, तो एजेस भी सील हो जाता है इसके साथ। और लिक्विड लेटेक्स लगाने के बाद मैं थोड़ा सा इसको सुखाने दूंगी। सूखने देने के बाद मैं लूंगी आई शेडो और मैं पिक करूंगी लाइटर ब्राउन शेड, और ब्राउन शेड को हम लोग एजेस पे थोड़ा सा अप्लाई करेंगे, ताकि और ज़्यादा ये रियलिस्टिक दिखे। और कहीं पे भी स्क्रैच होता है ना, स्क्रीन इरिटेट होता है तो थोड़ा सा डार्क हो जाता है, तो वही हम लोग क्रिएट करेंगे। उसके बाद लेंगे फाउंडेशन, और ये दोनों मेरा स्किन टोन का फाउंडेशन है, तो दोनों को मिक्स करके मैं अप्लाई करूंगी जहां मुझे लग रहा है कि स्किन के साथ मैच नहीं हो रहा है। स्मॉल फ्लैट ब्रश के हेल्प से मैं अप्लाई करूंगी फाउंडेशन। देन मैं लूंगी एक छोटा सा फ्लपी फ्लैट फाउंडेशन ब्रश, और उसको मैं यूज़ करूंगी जो एजेस को स्मूथ करने के लिए, जो भी हार्श लाइन दिख रहा है ना फाउंडेशन का, उसको भी स्मूथ आउट करेंगे, ताकि ये और ज़्यादा अच्छा लगे, रियलिस्टिक लगे। और देख सकते हो स्मूथ आउट करने के बाद मैं लूँगी लूज़ पाउडर, आपके पास कोई भी लूज़ पाउडर अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हो। लूज़ पाउडर लगाएंगे फाउंडेशन को सेट करने के लिए, और ये मैं फ्लपी ब्रश ली हूँ और मैं बहुत कम लगा रही हूँ, और ज़्यादा हम लोग को नहीं लगाना है, बस सेट करने के लिए पाउडर अप्लाई करेंगे। और उसके बाद मैं लूँगी हमारा फेस पेंट यू कैन बी का, और मैं पिक करूँगी रेड कलर, और रेड कलर को हम लोग एजेस में ही अप्लाई करेंगे। देख सकते हो मैं अंदर अप्लाई कर रही हूँ, और जहाँ मैंने स्किन बनाया फेक ना, उसी के अराउंड ही मैं बना रही हूँ इनर पोर्शन पे, देख सकते हो रेड कलर अप्लाई कर रही हूँ। तो गाइस ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो नेक्स्ट मैं लूँगी फिर से थोड़ा सा लिक्विड लेटेक्स और इनर पोर्शन पे अप्लाई करूँगी फेक वाला फ्लैश क्रिएट करने के लिए, और एक्स्ट्रा टेक्सचर देने के लिए मैं यूज़ करूँगी कॉटन, और उसका छोटा छोटा पीस इस लिक्विड लेटेक्स के ऊपर अप्लाई करूँगी। और अप्लाई करने के बाद और एक कोट हम लोग लिक्विड लेटेक्स का लगाएंगे। आप चाहे तो व्हाइट ग्लू भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ अगर आपके पास लिक्विड लेटेक्स नहीं है तो व्हाइट ग्लू एक अच्छा ऑप्शन है, लिक्विड लेटेक्स की तरह ही काम करता है। बट थोड़ा सा प्रॉब्लम उसके साथ यही है कि वो सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, लिक्विड लेटेक्स बहुत जल्दी सूख जाता है और स्किन के लिए कोई प्रॉब्लमैटिक नहीं होता है। तो देख सकते हो रुई के ऊपर मैंने और एक कोट लगा लिया है लिक्विड लेटेक्स का, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, फ्लेस वाला इफेक्ट दे रहा है। और रेड कलर आई शेडो मैंने लिया है एजेस को थोड़ा सा इरिटेटेड दिखाने के लिए, तो एजेस पे अप्लाई कर रही हूँ रेड आई शेडो। नेक्स्ट बारी आती है ब्लड लगाने की, तो मैं ये फूड कलर एंड ग्लू को मिक्स करके बनाया है, और देख सकते हो अच्छे से स्मॉल ब्रश के हेल्प से मैंने ब्लड लगाना शुरू कर दिया है। जहाँ मैंने रेड कलर अप्लाई किया था ना, रेड फेस पेंट, वहीं पे हमको ब्लड लगाना है, ज़्यादा ब्लड नहीं लगाना है। और अच्छे से एजेस पे ब्लड लगाने के बाद मैं थोड़ा सा टिश्यू लूँगी, वेट टिश्यू, और वहाँ थोड़ा सा ब्लड लगा के थोड़ा सा इधर उधर फ्लैश करूँगी, ताकि और ज़्यादा रियलिस्टिक दिखे।
And finally, our SFX look is totally done. So guys, here's the final look. I hope ki ye wala tutorial aapko helpful laga hoga. Agar laga to please like karna aur recreate karna zarur. और आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हो, जिसका लिंक है यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा, लिंक है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मुझे फॉलो भी कर सकते हो, जिसका पेज नेम है फेस कैनवस सेम ही, तो मुझे फॉलो भी कर सकते हो. वहाँ पे और डिटेल्स में आपको वीडियो मिल भी जाएंगे. सो या ये था आज का लुक. आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, आप लोग ने कुछ सीखा होगा. तो मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ. टिल देन कीप क्रिएटिंग. बाय गाइज.